और गाइस मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे स्क्रैच पड़ा था। नाइस बिरयानी हमारी आ चुकी है। एक बार भाई क्या करना, सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। सो गाइस पिज्जा हमारा आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं नाविद और आप देख रहे हैं नाविद व्लॉग्स। आज मैं आपको पठानकोट लेके जा रहा हूं। पठानकोट किस लिए? क्योंकि हमारी गाड़ी की सर्विस आ चुकी है, सर्विस भी करवानी है हमें, और मेरी नई नई गाड़ी अभी ठुक भी चुकी है, उसको भी रिपेयर करवाना है, और भी छोटे मोटे काम हैं वो भी करवा लेंगे। तो आज आपको लेके चलते हैं सीधे पठानकोट। मैं हो चुका हूँ रेडी, बस अब निकलने की तैयारी में हूँ। मैं आपको एक बार बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ, सुबह सुबह कैसा व्यू है अभी ये देखिए गाइस। सुबह सुबह धूप निकल चुकी है, बस अब हम निकलने वाले हैं। गाड़ी हमारी यहाँ पे लगी हुई है, बाकी दूसरी गाड़ी वहाँ पे लगी हुई है। सो गाइस पैकिंग मैं कर चुका हूँ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या सामान पैक कर लिया है। ये देखिए, ये मेरा बैग आ चुका है, इसमें मैंने कपड़े डाले हुए हैं, और ये मेरा एक्सेसरी केस गोप्रो का, ये गोप्रो का केस है, और ये पावर बैंक है, और ये चार्जर, ये मेरा दूसरा फ़ोन, ये जो मैं डेली यूज़ करता हूँ वो वाला फ़ोन है मेरा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मास्क। मास्क तो लगाना ही पड़ेगा गाइस, नहीं तो पुलिस वाले आपको पता है। हम घर से निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं नीचे बाजार, थोड़ा सामान लेंगे, उसके बाद पठानकोट निकल जाएंगे। सो गाइस नकरोड़ से हम निकल चुके हैं और हम अभी पहुंच चुके हैं यहाँ पे चांजू पुल के पास, और यहाँ पे अभी काम चल रहा है रोड का, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं हैप्पी, मैं आपको हैप्पी के साथ भी मिलवा देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरे को लगता है हैप्पी नर्वस हो गया थोड़ा। चलो गाइस आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जैसे ही जाम खुलता है उसके बाद। सो गाइस हम अभी पहुंच चुके हैं तलेरू, यहाँ से पठानकोट के लिए अभी हमें 2 घंटे और लग जाएंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टॉप हम बनिकेत में रुकेंगे, थोड़ा चाय शाय पिएंगे, उसके बाद आगे I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ही ज़्यादा रश है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया है। यहाँ पे अभी लोग बाहर से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से लोग आते हैं यहाँ पे बर्फ़ देखने आते हैं। अभी ऊपर डलहौजी में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी, इसलिए गाड़ियाँ यहाँ पे ही रुकी है। और I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside.
तो गाइस हम पहुंच चुके हैं नैनीगढ़। यहाँ पे मुझे एक ढाबे पे रुके, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ढाबा है, यहाँ पे हम अपन खाना खाएंगे, उसके बाद हम फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देंगे पठानकोट की ओर। सो गाइस खाना खा के हम हो चुके हैं फ्री, अब हम निकल रहे हैं पठानकोट की ओर। खाना बहुत ज़्यादा खा लिया, अब जल्दी से पहुँचते हैं पठानकोट, सर्विस करानी है हमने। लेट हो गए तो सर्विस नहीं होगी आज, और कल तो है संडे। चलो मिलते हैं आपको। तो गाइस हम महिंद्रा में आ चुके हैं, अब सर्विस करवाते हैं, उसके बाद और जो हमें काम है डेंटिंग वेंटिंग का वो करवाएंगे, आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस सर्विस शुरू हो चुकी है, ये सर्विस कर रहे हैं यहाँ पे। अभी फर्स्ट सर्विस है, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, ये पता नहीं बोल रहे थे कि थोड़ा शैम्पू चेंज करेंगे, बाकी शायद एयर फिल्टर को थोड़ी हवा मारेंगे, छोटे मोटा ही होगा फर्स्ट सर्विस में। सो गाइस गाड़ी की सर्विस हो चुकी है, वॉशिंग भी हो चुकी है, बस अब थोड़ा कपड़ा मार रहे हैं, मैट कोट रख रहे हैं, और हम भी अब फ्री हो चुके हैं, अब हम यहाँ से निकलेंगे। अभी देखते हैं, गाड़ी में थोड़ी फ्लोरिंग करवानी है। और गाइस मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे स्क्रैच पड़ा था, ये देखिए, ये यहाँ पर कंपाउंड करवाया, थोड़ा ठीक करवा लिया, अभी इस जगह पर स्क्रैच पड़े थे। गाइस जहाँ पे ये स्क्रैच पड़ा है उसकी ट्रीटमेंट के लिए कंपाउंड कर रहे हैं। सो गाइस अभी हम आए हैं नोवेल्टी मॉल, थोड़ी शॉपिंग करना है, और अभी तो हम यहाँ पे रुके हैं, यूएस पिज़्ज़ा ऑर्डर कराया हुआ है। सो गाइस पिज़्ज़ा हमारा आ चुका है, वाह क्या टेस्टी पिज़्ज़ा दिखाई दे रहा अभी। Everybody knows that I'm breaking down, everybody knows I ain't faking now, everybody knows my heart's faking now, yeah she hates me now, I made mistakes but now, I don't ever wanna be alone, I don't really ever feel at home, on my own, in the zone, that's the only way I know, feeling low, about to blow back up, here I go, never let the doubt creep in, gotta pop a couple more aspirin, I don't think
सो गाइस पिज़्ज़ा हमने खा लिया है, हैप्पी भाई खा रहे हैं अभी भी पनीर, पनीर सारा खा लेते फिर भी। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी हम आए हैं डिनर करने यहाँ वो ढाबा, बहुत फेमस ढाबा है यहाँ का। हमने अभी बिरयानी का ऑर्डर दे दिया है, दो हाफ बिरयानी। बिरयानी खाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसी बिरयानी बनती है यहाँ पे। मैं आपको एक बार नो ढाबा दिखा देता हूँ। ये है गाइस, और इनको देखिए क्या हुआ है भाई। आप भूख लगी है, भूख, बिरयानी की भूख, तलब लाओ बिरयानी हैदराबादी। ये है गाइस मेन्यू यहाँ का, नूर चिकन बिरयानी कॉर्नर। हेलो फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब। क्या लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एक बार भाई क्या करना, सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। सो गाइस आपने जैसे सुन लिया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एक बार हैप्पी भाई दोबारा बोलेंगे आपको कि क्या करना है चैनल को, क्या क्या करना है, लाइक कमेंट और शेयर करना है बस। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्या करना है, सब्सक्राइब। तो आपने सुन लिया, सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। बिरयानी हमारी आ चुकी है, ये देखिए तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में। मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूं, रूम नंबर हमारा 303 और ये रहा हमारा रूम। ये देखिए गाइज, ये हमने शॉपिंग की है आज, और ये टीवी, और ये हमारे हैप्पी भाई। हैप्पी भाई को मुझे लगता है टेर बन चुकी है। और ये बाथरूम है हमारा। सो गाइज आज का व्लॉग काफ़ी हो चुका है, मैं ये व्लॉग यहीं पेंड करता हूँ क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। अब आज रेस्ट करता हूँ, भी सो जाऊँगा। तो कल सुबह हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, पर कल का व्लॉग शायद मैं शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं सुबह ही सुबह निकल जाऊँगा, तो उस व्लॉग में कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए है नहीं, इसलिए व्लॉग मैं आज ही यहाँ पर एंड करता हूँ। आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग में, और आपको नए नए व्लॉग लाता रहूँगा। और इस व्लॉग को गाइस सपोर्ट करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर कर दो। मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।